प्रतिरोध और प्रतिरोधकता या मिश्रित प्रतिरोध के बीच में अंतर देखेंगे। आप सबसे पहले तो देख रहे हैं प्रतिरोध को हम आर से दर्शाते हैं और प्रतिरोधकता को किससे, रो से दर्शाते हैं। देखिए बहुत बड़े बड़े अंतर होते हैं, लेकिन हम बड़े बड़े अंतर लिखने में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हमने क्या किया, इनको बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की। तो सबसे पहले हमने दोनों के सूत्र पता होना चाहिए, दोनों की एसआई मात्रक पता होना चाहिए, दोनों के बिंबीय सूत्र पता होना चाहिए, और एक लास्ट में हम अगर ये फॉर्मूले को देखें तो हमारा ये आर का फॉर्मूला भी हमें मिला था रो एल अपॉन ए। तो इसमें पता चल रहा है ये लंबाई पर निर्भर कर रहा था और ये एरिया पर निर्भर कर रहा था, लेकिन ये नहीं कर रहा था क्योंकि इसी के सूत्र से हमने ये वाला सूत्र बनाया है। तो अगर ये याद होगा तो आप डेफिनेटली इनका क्या बता सकते हैं, अंतर। अब देखते हैं तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये सूत्र क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई या रो एल अपॉन ए, और प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। दूसरा एसआई मात्रक की बात करें या एसआई इकाई की बात करें, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम, और इसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। इसका बिंबीय सूत्र जैसा कि हमने कल के वीडियो में भी या कल की क्लास में भी देखा था, m1 l2 t - 3 a - 2 था। अब इसका हमें अगर बिंबीय सूत्र पता नहीं है तो हम यही सूत्र की हेल्प, क्योंकि ओम के लिए तो इतना आ गया था जिसमें l की पावर 2 थी, लेकिन एक इसमें मीटर आ गया एक्स्ट्रा, तो ये l की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक लास्ट वाला पॉइंट अगर हम देखें तो चालक की लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कौन, प्रतिरोध, बट प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती है। ऐसे करके हम चार इसके अंतर लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।